बुराइयां मिटेगी, नशे वगैरह सब छूट जाएंगे। हमारे साथ संगत इतने मानवता भलाई के कार्य कर रही है, तो प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को निर्दोष साबित किया जाए। डेरा सजा सौदा मोजपुर धाम बुद्धरवाली से, यहाँ पे बहुत ही भीड़ इकट्ठा हुई है, लोग इतनी गर्मी में भी एक उत्साह है लोगों में, तो आइए जानते हैं इससे कितनी गर्मी में भी लोग उत्साह पूर्वक यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मेरा नाम मंजू इंसा है जी। मैम यहाँ पे जो लोग इतना इकट्ठा हुए हैं गर्मी में भी, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हाँ जी मैम, आज डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, इसीलिए सारी साध संगत यहाँ पे इकट्ठा हुई है। मैम क्या जो डेरे में जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल सुरक्षित है। इधर ये क्या सिस्टम बना हुआ है, बहनों का अलग पंडाल है, भाइयों का अलग है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है जहाँ पे हम असुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे, ऐसा कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं होती है जहाँ यहाँ डेरा सच्चा सौदा के पंडाल में हो रही है। मैम कुछ लोगों ने ग्रीनेस का ड्रेस डाल रखा है, ग्रीनेस पीछे लिख रखा है, तो इस ड्रेस को क्यों लोग डालते हैं, क्या महत्व है इसका? हाँ जी, ये हमारे डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई कार्य से जुड़े जो भी अपने कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और ग्रीनेस की वर्दी हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा देती है, और प्रशासन को भी यही चाहिए कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं और हमें न्याय दो। तो आप जनसाधारण से या प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, हम यही चाहते हैं कि गुरुजी अगर समाज में हो तो अनेक बुराइयां मिटेगी, नशे वगैरह सब छूट जाएंगे। हमारे साथ संगत इतने मानवता भलाई के कार्य कर रही है, तो प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को निर्दोष साबित किया जाए। Subscribe to our channel and press the bell icon.